नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार शिक्षा में समाचार में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शिक्षा में संगठनों में से एक संगठन जिसके प्रांतीय अध्यक्ष श्री गाजी इमाम अला है, अब टूटने की कगार पर है। आपको ज्ञात ही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र के हक के लिए सदैव दो ही संगठन भी मुख्य भूमिका में रहे हैं। उनमें से एक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ है जिसके प्रांतीय अध्यक्ष श्री गाजी इमाम अला, और दूसरा आदर्श समाज शिक्षामित्र संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष श्री जितेंद्र सां हैं। ये दोनों संगठन अपनी अपनी नीतियों से शिक्षा मित्रों के लाभ के लिए सरकार से लड़ते रहे हैं और शिक्षा मित्रों की हर उपलब्धि पर अपना अपना दावा करते रहे हैं। इन दोनों संगठनों को एक दो बार ही संगठित रूप से शिक्षा मित्रों के हित के लिए लड़ता देखा गया है। जब हाईकोर्ट से समायोजन निरस्त हुआ था तब, और जब सुप्रीम कोर्ट में भी समायोजन निरस्त हुआ था तब, दोनों संगठन ने संयुक्त मोर्चा संघ के नाम पर आपस में संगठित होकर एक साथ लड़ने का सियासी मंच पर वादा किया, लेकिन फिर भी कभी एक साथ नजर नहीं आए, क्योंकि ऐसा करने से दोनों संगठनों को ही अपनी व्यक्तिगत की गई मेहनत और सफलता का श्रेय कहीं और जाने का डर लगा रहा। इन्हीं सब कारणों की वजह से दूरस्थ पीढ़ी से शिक्षा में संघ नया बनकर आया और उसने शिक्षा मित्रों की लड़ाई अपने तरीके से लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन आज जो मुख्य खबर है वो यही कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रांतीय मंत्री ने 29 मार्च को लखनऊ में दारू सभा में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें 29 मार्च से शुरू होने वाले धरने में क्या रणनीति रहेगी उस पर चर्चा की गई थी। इस मीटिंग में से स्पष्ट था कि प्रांतीय मंत्री श्री विनोद कुमार वर्मा अपना समर्थन इस धरने को देने जा रहे थे, इसलिए इस बैठक में सभी जिला इकाइयों को सिर्फ शिक्षा मित्रों के हित के लिए मृतक शिक्षा मित्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस धरने को समर्थन हेतु आमंत्रण किया गया था। लेकिन जैसे ही यह खबर इस संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष श्री गाजी इमाम अला पर पहुंची, तब उन्होंने इस मीटिंग में भाग लेने वाले सभी प्रांतीय या जिला पदाधिकारियों पर अनुशासन हिंसा की कार्रवाई करने की धमकी दे डाली और पूर्ण रूप से बैठक का विरोध कर इसमें किसी भी पदाधिकारी के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे ही संगठन के प्रदेश महामंत्री शिपिनी चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ के समस्त प्रदेश मंडल, जिला तथा ब्लॉक पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आप सभी 31 मार्च तक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने अपने जिलों में मांग पत्र देने का कार्य करेंगे। उधर संगठन द्वारा भी सरकार से पुनः वार्ताक्रम आरम्भ के लिए प्रयास जारी है। संगठन के अगले निर्णय तक कोई संगठन पदाधिकारी लखनऊ में आयोजित किसी भी कार्यक्रम में प्रतिभाग न करे। आज्ञा से गाजी इमाम अला, शिव कुमार शुक्ला, पुनीत चौधरी एवं समस्त कार्यकारिणी। प्रांतीय कार्यकारिणी के द्वारा इस बैठक के खंडन के बाद सोशल मीडिया पर ही प्रांतीय मंत्री ने भी अपना जवाब पोस्ट कर दिया और खुले मंच पर गाजी इमाम अला को धमकी दे डाली। आइए आपको पढ़ाते हैं क्या लिखा इस पोस्ट में। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, कल 29 मार्च को आयोजित दारुल सफा की बैठक का आपके द्वारा खंडन किया गया है और मेरे द्वारा बुलाई गई इस बैठक को अनुशासन हिता बताया गया है तथा बैठक में शामिल होने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की धमकी भी आपके द्वारा दी गई है, जो बहुत ही निंदनीय है। जितना हक संघ पर आपका है उतना ही हक मेरा बनता है और उतना ही आम शिक्षा मित्र का बनता है। अपनी हिटलरशाही बंद करिए और लोकतांत्रिक तरीका अपनाइए। महोदय, आप भूल कर भी ऐसी गलती मत करिएगा अध्यक्ष जी, वरना शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि क्या होगा, क्या हश्र होगा। प्रदेश में भूचाल आ जाएगा जिसकी समझ जिम्मेदारी आपकी और केवल आपकी होगी। याचना नहीं, अब रण होगा। संग्राम बड़ा भीषण होगा। विनोद कुमार वर्मा, प्रांतीय मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन। तो आपने सुना कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के एक बड़े संघ के अब फिर से दो टुकड़े होने जा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन की ये आपसी फूट शिक्षा मिशन के लिए कैसे हित में रहेगी या अहित में रहेगी, ये निश्चय आप कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्या गाजी जी का इस धरने में प्रतिभाग करने से रोकना सही है और क्या प्रतिभाग करने से शिक्षा मित्रों का कोई नुकसान होने जा रहा है? ऐसे ही सवालों के जवाब का इंतजार कमेंट बॉक्स में सभी को है। अब इसके बाद बात करें तो गाजी द्वारा इस धरने को समर्थन ना देने से जिला इकाइयों में किस किस संगठन ने इसे समर्थन दिया है, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रांतीय मंत्री विनोद कुमार वर्मा जी ने श्रीमती उमा देवी द्वारा आए धरने का समर्थन किया है। अलीगढ़ जिले से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष ऋषिपाल सिंह अपने साथियों के साथ धरने में प्रतिभाग करने के लिए गए हैं। अलीगढ़ जिले के ही दूरस्थ बीटीसी शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष विनय कुमार यादव भी अपने साथियों के साथ धरने में प्रतिभाग करने गए हैं और साथ ही अलीगढ़ जिले के आदर्श समाज शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुनील अन्वाजी भी अपनी टीम के साथ इस धरने में समर्थन हेतु गए हैं। कन्नौज के जिलाध्यक्ष मानवीन सिंह और जिला महामंत्री अजीत दीक्षित आदर्श समाज शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने भी अपना नैतिक समर्थन देते हुए धरने में प्रतिभाग करने के लिए कहा है। कोर्ट की लड़ाई लड़ने वाली सिद्धार्थनगर टीम ने भी धरने का समर्थन किया है। जनपद औरैया व जनपद इटावा के आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने भी अपना नैतिक समर्थन इस धरने को दिया है। तुरंत बीटीसी शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने भी इस धरने को अपना समर्थन देकर सभी जिला इकाइयों को इसमें शामिल होने के लिए कहा है। और न जाने कितने जिलों ने इस धरने को समर्थन दिया है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप बताएं कि इस धरने को और कौन कौन से जिले या प्रदेश संगठन ने अपना समर्थन दिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और गाजी महोदय द्वारा शिक्षा मित्र की अगली नीति क्या है जिसके कारण धरने का समर्थन उन्होंने नहीं दिया है और अपने ही मंत्री जी को धमकी दी है। इसी के साथ ही शिक्षा में समाचार में बस इतना ही। मैं आपका साथी गोपाल सिंह।